अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू वेरीफाई फेसबुक अकाउंट और पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाउ टू वेरीफाई फेसबुक पेज अकाउंट, ये और दूसरी वाली जो ने बनाई थी हाउ टू वेरीफाई इंस्टाग्राम अकाउंट। इस वीडियो बनाने के बाद काफ़ी सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर अगर हमें इंस्टाग्राम का अकाउंट जो ना वेरीफाई करना है तो वो कैसे वेरीफाई करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट की वेरीफिकेशन के बारे में कि कैसे वेरीफाई करना। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं कि ट्विटर के अकाउंट की वेरीफिकेशन की। यहाँ पर ट्विटर पर आना है। ट्विटर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे मैं बता चलूँ कि आपको ये तरीका जो है फॉलो करना है और वीडियो को लास्ट तक देखनी है ताकि आप कोई भी वीडियो का पार्ट जो है वो मिस ना कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको आना है और अपने जो है ना प्रोफाइल नंबर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आना है, ठीक है दोस्तों। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं दोस्तों, योर अकाउंट सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस मोनेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे योर अकाउंट पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे जो ना अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, ये आपको जो ना देखना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। अकाउंट जो ना ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम फ़ोन नंबर जो होता है आपका वो, ईमेल और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट पे जो ना क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हु इज़ एलिजिबल एक्टिव ऑथेंटिकेट, ठीक है, नोटेबल, ये सारी चीज़ें जो ना आप पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक मैं आपको एक एक जो ना पढ़ के बताऊंगा तो टाइम जो ना ज़्यादा हो जाएगा और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो आप जो ना अपने अपने हिसाब से जो ना इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो ना आपको अप्लाई करना है। अगर आप इस जो है ना क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपका अकाउंट जो ना वेरीफाई हो जाता है। तो उसके बाद जो ना यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको आगे जो ना एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पे देखें ये न्यू स्क्रीन ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। वेरिफिकेशन इज नोटेबल पर्सन आर ग्रुप्स विद इन स्पेसिफिक कैटेगरी, ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो ना स्टार रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। स्टार रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ना सिलेक्ट कैटेगरी करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविज्म और बिजनेस, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, गवर्नमेंट, न्यूज़, स्पोर्ट्स, जिस भी कैटेगरी में आपका पेज जो ना वो सॉरी अकाउंट आता है उस वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। अगर नहीं आता है तो आपको अदर पे जो ना सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर इस कैटेगरी के अंदर का आप नहीं आते हैं तो आपको अदर पे क्लिक करके जो ना वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको बिजनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई एंटरटेनमेंट टाइप का है तो इंटरनेट टाइप मतलब वो सिलेक्ट करना है, गेमिंग का जो अकाउंट है तो वो सिलेक्ट करना, ये सारी जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। अगर इसमें कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक कंटेंट क्रिएटर और अदर इन्फ्लुएंशियल डिवाइस इंडिविजुअल्स। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं मतलब डेली बेस पे जो ना वो कंटेंट क्रिएट करते हैं लाइक एज यूट्यूबर्स होते हैं तो वो जो ना आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन जो ना अदर इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल हैं तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे देखें लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वेरीफिकेशन इन दिस कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप जो ना इस कैटेगरी पर जो ना वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका जो ना वो पेज जो ना अकाउंट जो ना और वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम जो ना इस पर क्लिक करके देखते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें ये बता रहा है कि आपका अकाउंट जो ना इस कैटेगरी के लिए जो ना वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जो ना मेरा अकाउंट बिल्कुल न्यू है, उस पर इतना ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह नहीं है और मैं ज़्यादा इतनी एक्टिविटी वगैरह नहीं करता हूँ, तो इसलिए जो ना मैं वेरीफिकेशन के लिए अभी जो ना एलिजिबल नहीं हूँ। तो आपको ये जो ना सारी क्राइटेरिया देखनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। अगर आप उसके अंदर नहीं आते हैं तो आप अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं कर सकते। बाकी तरीका जो ना ये सेम है, अगर आप का मतलब अकाउंट जो ना वो पुराना है और उसके ऊपर डेली बेस पे आप एक्टिविटी करते हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं मतलब नोटेबल वो है ना पर्सन हो, तो आप इजी तरीके से जो ना अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको देखने के बाद आप अपने अकाउंट जो ना वेरीफाई करने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। अगर पता लग गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी क्लिक करें जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।